जिला मुख्यालय पर जैन समाज की महिला पुरुषों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या का विरोध किया। जैन मुनि की हत्या मामले को लेकर समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटना से आक्रोशित सकल जैन समाज ने आज शहर के जैन नसिया से लेकर कलेक्ट्रेट तक मौन रैली निकाली। इसके बाद जैन समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया और सभी धर्मों के साधु संतों को सुरक्षा देने की मांग की। साथ ही जैन समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने जैन मुनि के हत्यारों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर SDM को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। आज जैन समाज का यह मौन जुलूस निकाला गया है क्योंकि कर्नाटक में हमारे जैन महासंत आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज जो एक बड़े संत है उनकी निर्मम तरीके से शरीर के काट काट के हत्या कर दी गई। उसके विरोध में आज पूरे राजस्थान में ये मैं तो ये कहूँगी पूरे देश भर में आज ये जुलूस निकाला गया है। इसके लिए पूरे समाज और सर समाज और व्यापार संघ के द्वारा मौन जुलूस यहाँ निकाला गया है। प्रतिष्ठान सारे बंद रखे गए हैं। यही मांग रखी गई है कि जैन मुनियों को या सभी समाज के संतों को सुरक्षा प्रदान करी जाए, इनके लिए अलग से आश्रम खोले जाए, अलग से इन्हें कदम 20 किलोमीटर की दूरी पे इन्हें आश्रम और व्यवस्था प्रदान की जाए। ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें पूरी मांगे हमने रख दी गई है कि हमें सुरक्षा चाहिए। हमारे केवल जैन मुनियों को नहीं सर्व समाज के साधुओं को सुरक्षा प्रदान करने की उसमें मांग रखी गई है। आज आपने किस तरह का आक्रोश जताया है, क्या कुछ मांगे रखी गई है सरकार के सामने? हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में ज्ञापन दिया है कि पहली मांग तो हमारी ये थी कि जो हत्यारे हैं उनको जो गिरफ्तार कर रखा है, जैसा सुना कि दो को गिरफ्तार किया है, अगर वो सही हत्यारे हैं तो उनको तुरंत फांसी एक फास्ट ट्रैक में लेके और तुरंत उनको जो है फांसी की सजा दी जाए। जैन धर्म की मेन मांग ये है और आगे के लिए क्योंकि हमारे जैन साधुओं के पीछे का मंडल साथ में होता है और वो नियत पैदल चलते हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं, तो जैन साधु के साथ साथ जो अजैन साधु भी जो नंगे चलते हैं पैदल चलते हैं उनकी भी सुरक्षा राष्ट्रीय सरकार करे। मेरा ये निवेदन है।